आज हिंदी दिवस है, इसलिए सबों को हिंदी दिवस की ढेर सारा शुभकामनाएं। आज मैं जिस आप लोगों के बीच एक कहानी लेके आया हूं, और यह कहानी मेरी एक मैडम डॉक्टर सपना ने लिखा है, और उन्हीं के जुबानी में कहानी करने के लिए कोशिश करूंगा। मेरे घर आज मेहमान आए हुए हैं, और इस मेहमानों के बीच में मेरे बेटी को मैं तैयार कर रही हूँ। मेरी बेटी अभी 8वीं कक्षा में पढ़ती है, और ये इतना शांत स्वभाव की है, मुझे मेरा बचपन याद दिलाती है। बचपन में मैं कोल इंडिया कंपनी के कैंपस में रहती थी, मेरे पिताजी इंजीनियर थे, और उस समय पे हमारे जो कोल इंडिया में रशिया का मशीन का व्यवहार होता था, यूज होता था, और रशिया से इंजीनियर आते थे सिखाने के लिए। मेरे पापा को भी उन्होंने रशिया ले जाना चाहा, लेकिन मेरे पापा ने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं 1 साल की थी। मेरी बेटी कम चंचल है, पर मैं जब छोटी थी तो मेरा स्कूल जो 5 मीटर की दूरी पर थी, मैं मुझे याद भी नहीं आता कि मैं चल के कब जाती थी। दौड़ती, उछलती, कूदती मैं स्कूल जाती। और सबसे बड़ा बात यह था कि जब भी कोई दौड़ होता या कोई रनिंग कंपटीशन होता, तो मेरे दोस्त जब 1 चक्कर लगाते, मैं ऑलमोस्ट 3 चक्कर मार लेती। मैं सबसे आगे थी, और मेरा कंपटीटर लड़कियां नहीं, लड़के थे, और मैं लड़कों से भी आगे भागती। और इन्हीं सबों के बीच में मुझे अभी भी याद है वो टीचर जो सबसे स्ट्रिक्ट थी, वो दुबली पतली सी जो साड़ी पहन के आती थी, दिखती तो बहुत सुंदर थी, बट आवाज उसका बहुत गंभीर था। वो सबको छड़ी से पीटती। मुझे आज भी याद है, मेरा एक दोस्त था रिचर्ड, जो उस दिन होमवर्क करके नहीं आया, उसको टीचर ने आगे बुलाया, बोला अपना राइट हैंड आगे लाओ। वो राइट हैंड आगे लाया, जैसे ही छड़ी पड़ी, उसने हाथ को हटाया, छड़ी मेज पर पड़ी। फिर से उसको बोला गया लेफ्ट हैंड लाओ, वो फिर लेफ्ट हैंड लाया, फिर टीचर ने छड़ी मारी, उसने हाथ को हटाया। आपको याद होगा ना ये वाला? तो छड़ी टूट गई, और मैं वहां हंसने लगी, और मैं अकेली थी जो हंस रही थी। जब टीचर चली गई, रिचर्ड मेरे पास आकर बोली, तुमको पता है ये छड़ी का दर्द कैसा होता है, तुम कितने सेल्फिश हो। मेरा बेटी को मैंने तैयार किया, मेरा मेहमान आ गया, मेहमानों के साथ में बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे फोन में बार बार कॉल आना शुरू हुआ। मैं क्योंकि मेहमानों के बीच में बिजी थी, मैं फोन नहीं उठा पाई। काफी बार मैंने कोशिश किया मैं फोन नहीं उठाऊंगी, लेकिन उसी समय मुझे दिखाई पड़ा एक नाम। मैं इतनी बिजी थी कि फोन उठा नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने जब फोन में देखा, वहां पे लिखा था राजेश। आओ मैं थोड़ा राजेश के बारे में आपको बताती हूँ। राजेश तो था, मेरा बचपन का दोस्त था, हम साथ पढ़ते थे, और वो हर चीज पर मेरे साथ मजाक करता था। हम दोनों हंसते थे, दोनों खेलते थे। और एक बार क्या हुआ कि बॉयज एंड गर्ल्स का कबड्डी कंपटीशन था, और मैं उस दिन 10 लड़कों को पछाड़ी, 10 लड़कों को पछाड़ के मैं उस दिन कबड्डी जीत गई। राजेश जो कि मेरा बचपन का दोस्त था, मेरे पास आकर कहा, अच्छा होता अगर तू मर जाती। और आज वही राजेश मुझसे फोन में बातें करना चाहता है। काफी साल हो गए, मैं वहां से दूसरी शहर आ गई, मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया, और मैं अभी डॉक्टर हूं और अपना कमाई खुद करती हूं, लेकिन आज भी मैं उस गुस्से को लेके घूमती हूं। उसके बाद आज इतने दिनों के बाद, 30 साल के बाद राजेश फोन कर रहा है। मैंने फोन को उठाया, उधर से आवाज आया, उसने बोला कि तुम इतनी बिजी क्यों हो, मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही। मैंने बोला तुम्हें क्यों। उसने फिर बोला तुम्हारे बच्चे कितने हैं। मैंने बोला मेरे छोटे 2 छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। वो हंस पड़ा। उसने बताया कि मेरा बेटा इंजीनियर बन चुका है, मेरी बेटी आर्किटेक्ट, और तुम अभी भी अपने छोटे छोटे बच्चे को संभाल रहे हो। मैंने फोन को, मेरा नेटवर्क कटने की वजह से फोन मैंने काट दिया, और मैं रुक गया। मैंने बोला, सोचा कि दूसरे दिन मैं उसका फोन उठाऊंगा। दूसरे दिन जैसे ही आया, मैं सारे मेहमान जाने के बाद उस फोन को मैं उठाने वाली थी, तो हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया, राजेश इज नो मोर। और वो उसकी मृत्यु के बेड से मेरे लिए लास्ट कॉल था। तो मैंने इससे यह सीखा कि लड़ाइयां तो होती है दोस्तों से, लेकिन दोस्ती हमें खत्म नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।